दी ए जी हाय और मैं नमस्कार जी, कैसे आप सब लोग। मैं संजना चौधरी आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल संजना के आंगन में। और अब हम जा रहे हैं मेहंदी के प्रोग्राम में और अभी हम मतलब आधा घंटा हो गया हमें चले हुए, एक घंटा और लगेगा क्योंकि मेरठ जाना है। तो वहीं पे एंजॉय करते हैं, मेहंदी लगाएंगे और हाँ मैंने बता दिया था उनको, अपने दोस्तों को, क्योंकि हम वहीं पे रहेंगे ना दो दिन, तो इसलिए हाँ आज रहेंगे और कल रहेंगे। तो बस चल रहे हैं, जैसे हम पहुँचते हैं आपको मिलवाते हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या क्या होगा, कैसे कैसे मेहंदी होगी, कितना डांस करेंगे आज राशि। अपना बताओ। हाँ आज तो मैं भी करूँगी, आज थोड़ा पैर में ठीक है तो थोड़ा सा कर लेंगे, है ना, शादी क्या रोज रोज होती है, चोट तो कभी भी लग जाए। चलो तो मिलते हैं फिर वहाँ पर पहुँच के। दोस्तों हम यहाँ पहुँच गए हैं कोसा में और ग्रैंड फाइव में अभी चलेंगे आगे क्योंकि हमारा इधर यहीं पे है स्टे। मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों, हम तैयार हो गए हैं मेहंदी के लिए और अब हम निकल रहे हैं। मैंने आपको रूम नहीं दिखाया, बाद में दिखा देंगे क्योंकि तैयार होना ज़रूरी था क्योंकि लेट हो रहा है। फिर ये देखो राशि भी तैयार हो गई है, ठीक लग रही, अच्छे लग रहे हम। ओके हम आ गए यहाँ मेहंदी के फंक्शन में और अब बस मेहंदी लगवाएंगे, देखते हैं अंदर क्या क्या हो रहा है। ये राशि जाती हुई, ये आदि जाता हुआ। ओके और दोस्तों देखिए हम आ गए मेहंदी वाले रूम में। हो ये हमारे बेटे जी और ये हमारी बहू रानी। ओह हाँ, हमारी बहू पहले, बेटी तो हम अब अपने घर ले जाएंगे तब बनाओगे ना, अभी तो लेके जा रहे बहू रानी को। चलो अब मैं मेहंदी दिखाती हूँ सौम्या की। वाओ मैं वही तो कह रही हूँ, आज ही ब्लॉग अपडेट करा, देख के आए। हाय तुम्हारी स्माइल। और ये अंजू, बड़ा मजा आया देख रहे, पर लास्ट वाला ब्लॉग ना लास्ट वक्त वाला ज्यादा बड़ा कर दिया था। हाँ चलो अब हम मेहंदी लगवाते हैं और उसके बाद आपसे बात करते हैं, ठीक है।
देखिए एजी एजी क्या खा रहे हैं। Thank you.
दोस्तों मेहंदी का फंक्शन अब हो गया है ख़त्म और सब खाना पीना खा के
रेस्ट करेंगे। तो अब हम क्योंकि 12 के बाद का टाइम हो गया है तो काफ़ी लेट भी हो गया है और अब हम करने जा रहे हैं आराम। थोड़ा देखते हैं आराम तो खैर कौन करेगा, बात ही करते हैं सारी रात। तो कल मिलते हैं सुबह हल्दी के फंक्शन में, तब तक के लिए राम राम जी। Yeah।